नमस्कार छात्रों, आज पावर जनरेशन विषय के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट चैप्टर में एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में भी जाना था कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के प्रिंसिपल एलिमेंट्स क्या-क्या हैं, कैचमेंट एरिया, रिजर्वायर, डैम, फोर वे, इंटेक स्ट्रक्चर, स्पिलवेज, पेन स्टॉक, सर्ज टैंक, प्राइम मूवर, ड्राफ्ट ट्यूब, टेल रेस और पावर हाउस। इनमें से इंटेक स्ट्रक्चर तक के एलिमेंट्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर जानकारी ली। उससे आगे के एलिमेंट्स के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्पिलवेज। स्पिलवेज जो है एक तरह की कैनाल होती है जो कि डैम की साइड में प्रोवाइड की हुई होती है। स्पिलवे को हम एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर को बाहर निकालने के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि डैम के ऊपर ज़्यादा पानी होने की स्थिति में वो डैम को नुकसान पहुंचा सकती है और उससे ओवर फ्लो का पैसेज बनाना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए चार पांच तरह के स्पिलवे होते हैं। ओवरफ्लो स्पिलवे, शूट और ट्रफ स्पिलवे, साइड चैनल स्पिलवे, शाफ्ट स्पिलवे, साइफन स्पिलवे। आगे चित्र में हम इनके बारे में देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले ओवरफ्लो स्पिलवे दिखाया गया है जिसमें अनगेटेड और गेटेड स्पिलवे दिखाए गए हैं। अनगेटेड का मतलब जो ही डैम की हाइट से ऊपर से पानी निकलेगा तो अपने ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा, और गेटेड में गेट खोलकर पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी तरह का शूट या ट्रफ टाइप का स्पिलवे बताया गया है जिसमें कि हम स्मूथ कर्वेचर देके और एक पैसेज बना देते हैं जिनमें से पानी का बहाव होता है। तीसरी तरह का जो है वो साइड चैनल टाइप का होता है जिसमें डैम की साइड में एक कैनाल बना दी जाती है और उसमें से पानी निकाला जाता है। चौथी तरह का जो स्पिलवे है वो शाफ्ट स्पिलवे है जिसके अंदर की एक टनल बना दी जाती है शाफ्ट नुमा, जिसमें जो ही पानी ओवरफ्लो होगा उस शाफ्ट के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और पांचवी प्रकार का जो स्पिलवे है वो है साइफन स्पिलवे, जिसमें एक साइफन लगा होता है और पानी का लेवल ऊपर होने की स्थिति में पानी साइफन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार स्पिलवे की अलग अलग शेप होती है। इसका मुख्य काम होता है पानी को डैम की कैपेसिटी से ज़्यादा होने की स्थिति में स्मूथली ओवरफ्लो करके बाहर निकालना। दूसरा पार्ट है पेन स्टॉक, जो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का प्रमुख अवयव है। ये एक क्लोज कंड्यूट होता है जो कि फोर बे या सर्ज टैंक को टरबाइन की स्क्रॉल केस से कनेक्ट करता है। मीडियम हेड पावर प्लांट होते हैं तो हर एक यूनिट का अपना पेन स्टॉक होगा, लेकिन अगर हाई हेड प्लांट्स होंगे तो एक सिंगल पेन स्टॉक से ही हम पानी को डिफरेंट यूनिट्स को प्रोवाइड करते हैं, और ये जो ब्रांच कनेक्शन है वो लोअर एंड के ऊपर दिए जाएंगे जिससे कंड्यूट का खर्चा बचेगा, क्योंकि हाई हेड में बहुत लंबा पेन स्टॉक की आवश्यकता पड़ेगी। पेन स्टॉक स्टील या रेनफोर्स कंक्रीट के बने हुए होते हैं। स्टील पेन स्टॉक जो हैं वेल्डेड होते हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल सीम पर वेल्डेड होते हैं, यानी क्रॉस सेक्शन में वेल्ड नहीं किया जाएंगे, इसको लॉन्गिट्यूडनल सीम पर वेल्डेड करके बनाए जाएंगे। सर्कमफेरेंशियल सीम भी वेल्ड की जा सकती है, लेकिन जो लंबे पेन स्ट्रोक होते हैं उसमें वाटर हैमर के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है,
इसकी थिकनेस पर्याप्त होनी चाहिए जिससे कि ये नॉर्मल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या जो ऑल ऑफ सडन जो सर्ज होता है उसको बियर कर सके। नंबर ऑफ पेन स्ट्रोक, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर सिंगल पेन स्ट्रोक से भी पानी की सप्लाई की जा सकती है और प्रत्येक टरबाइन के लिए अलग अलग पेन स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है प्रत्येक पेन स्ट्रोक एटलीस्ट दो टरबाइन को पानी की सप्लाई करे। कितने पेन स्ट्रोक होंगे ये इन फैक्टर्स पर निर्भर कर देगा कि क्या इकोनॉमी मिलती है, ऑपरेशनल सेफ्टी कितनी चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या है। नेक्स्ट एलिमेंट है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक का फंक्शन होता है पेन स्ट्रोक को वाटर हैमर से बचाना। अगर लोड में अचानक कमी होती है उस स्थिति के अंदर गवर्नर जो है टरबाइन के गेट बंद करेगा और उस स्थिति परिणाम स्वरूप पेन स्ट्रोक के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और चूंकि पेन स्ट्रोक की लंबाई काफ़ी होगी हाई हेड प्लांट में तो ये वाटर हैमर क्रिएट होगा और इसके लिए पाइप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ का बना हुआ होना चाहिए, नहीं तो पेन स्ट्रोक ब्रस्ट हो सकता। इस पॉजिटिव वाटर हैमर प्रेशर को बचाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा साधन हमें लगाना चाहिए जो कि जो फ्लो रुक जाता है उसको एब्जॉर्ब कर सके और एक्सेसिव प्रेशर से पेन स्ट्रोक को बचा सके। इसके लिए हम एक स्मॉल स्टोरेज टैंक या रिजर्वायर बना सकते हैं जो कि ऊपर से खुला हो, और जब प्रेशर ज़्यादा होएगा तो वो पानी जो है उस टैंक के अंदर फ्लो होकर चला जाएगा और पेन स्ट्रोक को एक्सेसिव प्रेशर से बचाएगा। इस तरह के स्टोरेज टैंक को हम सर्ज टैंक कहते हैं और इसे हम पावर स्टेशन के जितना नज़दीक लगा सकते हैं उतना ही अच्छा होगा, और इसी से उसकी जो है वो प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकेगा। ये देखिए चित्र में सर्ज टैंक का अरेंजमेंट दिखाया गया है, पेन स्ट्रोक है और पेन स्ट्रोक के अंदर जो है ये यहाँ पे नॉर्मल ग्रेडियंट जो डैम का होता है उतनी ऊंचाई तक वो सर्ज टैंक लिया जाता है और ऑल ऑफ सडन जो पानी होएगा तो वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा और पेन स्ट्रोक को प्रेशर से बचाएगा। वाल्व्स एंड गेट्स, लो हेड प्लांट में गेट जो है टरबाइन केसिंग की एंट्रेस पे लगाते हैं, लेकिन जो इसके लिए जो अंडरवाटरिंग द टरबाइन और इंस्पेक्शन और रिपेयर के लिए हम कर सकें गेट को बंद, तो इसलिए टरबाइन के पास में लगाते हैं। होस्ट ऑपरेटेड गेट्स होते हैं जहाँ पर कि हमें फ्रीक्वेंट शटडाउन चाहिए या टाइम अवेलेबल जो इंस्पेक्शन के लिए वो लिमिटेड हो, तो ऐसी स्थिति में होस्ट ऑपरेटेड गेट्स प्रोवाइड करते हैं। दूसरी तरह के प्लांट्स में स्टॉप गेट या स्टॉप लॉक्स जो लगाए जाते हैं जिनको कि हम ट्रेवलिंग क्रेन की सहायता से लगा सकते हैं। लंबे पेन स्ट्रोक हैं या जो पेन स्ट्रोक एक से ज़्यादा यूनिट्स में हैं को पानी सप्लाई करते हैं तो उनके लिए टरबाइन के एंट्रेंस पे वाल्व लगाना आवश्यक होता है। ये वाल्व स्ट्रोक बटरफ्लाई या पिवट टाइप के होते हैं। प्राइम मूवर्स और वाटर टरबाइन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो उसके अंदर प्राइम मूवर के रूप में वाटर टरबाइन को काम में लेते हैं और इनका मुख्य फंक्शन होता है पानी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना,
और मैकेनिकल एनर्जी जो है फर्दर जनरेटर को घुमा के इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। टर्बाइंस आर यूज टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ वाटर ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वाटर टर्बाइन इज ए रोटरी इंजन और ये जो है मूविंग वाटर से एनर्जी लेंगे। फ्लोइंग वाटर है वो ब्लेड्स के ऊपर जो टर्बाइन रनर की ब्लेड्स है उस पर डायरेक्ट किया जाएगा और उसके ऊपर फोर्स क्रिएट किया गया, आइदर इम्पल्सिव फोर्स और रिएक्टिव फोर्स। रनर जब घूमेगा तो इसकी एनर्जी जो है वाटर फ्लो से इसको ट्रांसफ़र होएगी और दो तरह के टर्बाइन होंगे, इम्पल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन। ये देखिए चित्र के अंदर दिखाया गया है टर्बाइन को, जिसमें जनरेटर से जुड़ा हुआ है टर्बाइन की शाफ्ट और ये गेट बताया गया विकेट गेट और यहाँ से वाटर फ्लो करेगा वो इनके ऊपर टर्बाइन ब्लेड्स के ऊपर जाएगा और इसके ऊपर रिएक्शन से या इम्पल्सिव फोर्स से इसको घुमाएगा। यहाँ पे ये रिएक्शन टाइप का टर्बाइन दिखाया गया है। ये पेल्टन टर्बाइन बताया गया है जो कि इम्पल्स टर्बाइन होता है और इम्पल्स टर्बाइन में वाटर का इम्पल्सिव फोर्स के कारण इस टर्बाइन की जब पानी उच्च दाब से इसके ऊपर टकराएगा तो इसमें जब पानी की डायरेक्शन चेंज होगी तो इम्पल्सिव फोर्स क्रिएट होगा और वो फोर्स इस टर्बाइन को घुमाएगा और टर्बाइन के घूमने से जो मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होगी उससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पे फ्रांसिस और केपलन टर्बाइन का स्केमेटिक व्यू दिखाया गया है, पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं ये दोनों जो हैं इनमें केसिंग फुल रन करती है और ये रिएक्शन टाइप के टर्बाइन होते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब, टर्बाइन के नीचे ड्राफ्ट ट्यूब लगा रहता है जो कि एक पैसेज होता है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज करता है और ये इसकी जो बाहर का एग्जिट होता है वो टेल रेस से जुड़ा हुआ होता है। जो टर्बाइन से हाई वेलोसिटी वाटर डिस्चार्ज होता है उसको रिड्यूस करती है वेलोसिटी को और एक्स्ट्रा हेड एनर्जी के लिए जोड़ती है। चूँकि ये टेल रेस और टर्बाइन के बीच में जुड़ा हुआ रहता है इससे हम टर्बाइन को ऊंचे लेवल पे रखेंगे तो भी उससे जो पानी से प्राप्त होने वाली एनर्जी है उसका पूरा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और टर्बाइन को ऊंचा रखने से हम उसकी मरम्मत और रिपेयर आसानी से कर पाएंगे। रिएक्शन टर्बाइन जो है कम्प्लीटली इनक्लोज रहने चाहिए लेकिन चूँकि जो एटमॉस्फेयर और वर्किंग फ्लूइड के बीच में प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है इसलिए आउटलेट जो टर्बाइन का है उसे हम एक ड्राफ्ट ट्यूब के द्वारा जोड़ना ज़रूरी हो जाता है टेल रेस लेवल तक। ड्राफ्ट ट्यूब कई प्रकार की होती है जिसमें पहली है कॉनिकल ड्राफ्ट ट्यूब, इसमें एक टेपर शाफ्ट होती है और सभी तरह के रिएक्शन टर्बाइन में सामान्य तौर पर इसे काम में लेते हैं जहाँ पे टर्बाइन की लो स्पेसिफिक स्पीड हो और वर्टिकल शाफ्ट हो, जो वर्टिकल शाफ्ट फ्रांसिस टर्बाइन है वहाँ पे इसे हम काम में लेते हैं। कोन एंगल जो है 8 डिग्री अधिकतम रखते हैं। इस तरह की ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी 90% के लगभग होती है। दूसरी तरह की ड्राफ्ट ट्यूब है एल्बो टाइप ड्राफ्ट ट्यूब जो कि जहाँ पे वर्टिकल ड्राफ्ट ट्यूब के लिए स्थान कम होता है वहाँ पे हम एल्बो टाइप की ड्राफ्ट ट्यूब काम में लेते हैं। और तीसरी तरह की ड्राफ्ट ट्यूब है मूडी टाइप ड्राफ्ट ट्यूब जिसमें सेंटर के अंदर एक और कॉनिकल सेक्शन होता है और इससे जो वाटर का वेरलिंग एक्शन को रिड्यूस करता है और वाटर जो हाई वेलोसिटी के साथ में सेंटर में फ्लो करता है उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती है। चित्र में कॉनिकल ड्राफ्ट ट्यूब और मूडी टाइप ड्राफ्ट ट्यूब दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए ये सभी तरह की ड्राफ्ट ट्यूब बताई गई है, ये पहली कॉनिकल है, दूसरी एल्बो टाइप की है,
तीसरी जो मूडी टाइप ड्राफ्ट ट्यूब दिखाई गई है, ये सभी तरह की ड्राफ्ट ट्यूब यहाँ पे बताई गई है। टेल रेस, जब पानी ड्राफ्ट ट्यूब से फिर टेल रेस में आता है और कार्य करने टर्बाइन में कार्य करने के पश्चात टेल रेस के द्वारा दोवर स्ट्रीम की तरफ बहा दिया जाता है, तो टेल रेस एक तरह से डाउन स्ट्रीम का पैसेज है, डाउन स्ट्रीम को मिलाने वाला पैसेज। पावर हाउस, पावर हाउस जो है एक बिल्डिंग है जिसमें टरबाइन, अल्टरनेटर और एक्जुलरी प्लांट्स रहते हैं। ये निम्नलिखित प्लांट्स जो आइटम पावर हाउस में रहेंगे, टरबाइन, जनरेटर, गवर्नर, रिलीफ वाल्व, गेट वाल्व, ट्रांसफार्मर, स्विच बोर्ड, कोयल सर्किट ब्रेकर, स्टोरेज बैटरी, आउटगोइंग कनेक्शंस, क्रेन, शॉप, ऑफिस एट्सेट्रा। ये देखिए हाइड्रोलिक पावर स्टेशन का डायग्राम बताया गया है और एक और डायग्राम इसके अंदर दिखाया गया है। सरफेस पावर हाउस को सामान्य तौर पे तीन भागों में डिवाइड करते हैं, सब स्ट्रक्चर, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर ऊपर के हिस्से को, बीच के हिस्से को इंटरमीडिएट और सब स्ट्रक्चर नीचे के हिस्से को बोलेंगे। जनरेटर, जनरेटर जो है टरबाइन से कपल्ड रहता है और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जनरेटर जो है सस्पेंडेड टाइप या अम्ब्रेला टाइप हो सकते हैं। जनरेटर के कंपोनेंट हैं स्टेटर, रोटर, अपर ब्रैकेट, लोअर ब्रैकेट, थ्रस्ट बीयरिंग, स्लिप रिंग, एयर कूलर, ब्रेक जैक, स्टेटर हीटर एट्सेट्रा। जनरेटर का हालांकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का ही एलिमेंट नहीं होता है, ये एक जनरल एलिमेंट है जो कि हर एक पावर प्लांट के अंदर लगता है। गवर्नर, गवर्नर हाइड्रो पावर प्लांट में लगाना आवश्यक होता है जो कि टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल करता है। गवर्नर की परफॉर्मेंस है वो पावर प्लांट की जो कंट्रोलेबिलिटी कितनी है और क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कैसी है इसको कंट्रोल डोमिनेट करती है। एक्जुलरी जो हाइड्रो पावर प्लांट में है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जैसे जनरेटर, एक्साइटर, स्विच गियर्स, और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे शाफ्ट कपलिंग, जनरल बीयरिंग, थ्रस्ट बीयरिंग एट्सेट्रा, ये सब एक्जुलरीज होती हैं। थैंक्स। इस तरह से हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में दो लेक्चर के अंदर स्टडी करी है। धन्यवाद।